कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के 6 बड़े एग्जिट पोल की चर्चा करें तो पहले एग्जिट पोल में बीजेपी को 83 से 95 सीटें, कांग्रेस को 100 से 112, जेडीएस को 21 से 29 और अदर्स को 2 से 6 सीटें दी गई है। दूसरे एग्जिट पोल में बीजेपी को 94 से 117 सीटें, कांग्रेस को 91 से 106 सीटें, जेडीएस को 14 से 24 सीटें दी गई है। तो वहीं अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तीसरे एग्जिट पोल की तरफ बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 सीटें, कांग्रेस को 110 से 120 सीटें, जेडीएस को 20 से 24 सीटें और अदर्स के खाते में तीसरे एग्जिट पोल में 1 से 3 सीटें दी गई है। चौथे बड़े एग्जिट पोल की तरफ बढ़े तो बीजेपी को 114 सीटें, कांग्रेस को 86 सीटें, जेडीएस को 21 सीटें और अदर्स के खाते में चौथे बड़े एग्जिट पोल के अनुसार 3 सीटें जाने का अनुमान है। पांचवें बड़े एग्जिट पोल की तरफ बढ़े तो बीजेपी को 88 से 98 सीटें, कांग्रेस को 99 से 109 सीटें, जेडीएस को 21 से 26 सीटें और अदर्स को 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। छठे एग्जिट पोल की तरफ बढ़े तो बीजेपी को 79 से 94 सीटें, कांग्रेस को 103 से 118 सीटें, जेडीएस को 25 से 33 सीटें और अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें डाल दी गई है। और रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल की चर्चा करें तो बीजेपी को 85 से 100 सीटें, कांग्रेस को 94 से 108 सीटें, जेडीएस को 24 से 32 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। और अब कर्नाटक में खिचड़ी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी के पक्ष में 36% वोट परसेंट है और कांग्रेस के पक्ष में 40%, जेडीएस के पक्ष में 17% और 7% अन्य के खाते में। तो वहीं सिद्धार्थ मैया जो सबसे बड़े लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री है वो बनते हुए दिखाई दे रही हैं। 69% लोग पीएम मोदी के कैंपेन पर बीजेपी को जो कहीं ना कहीं संभावना बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस को नुकसान होने की बात 54% लोग कह रहे हैं। इसके अलावा जो बाढ़ जोड़ो यात्रा है उसमें 14% फायदा है वो कांग्रेस को मिलने वाला बात लोगों द्वारा कही गई है। इसके अलावा खिचड़ी सरकार यानी जेडीएस का किंग मेकर बनेगी तो इस पर 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। और वहीं मोदी के खिलाफ जो बदजुबानी यूज की गई थी उसका 40% कांग्रेस को नुकसान होने वाली बात भी लोगों द्वारा कही गई है। इसके अलावा जब बड़े मुद्दे थे वो आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहे हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। और इसके अलावा 38% लोग बीजेपी को आरक्षण का फायदा होने वाली बात भी कह रहे हैं।